हेलो, आपके सर के ऊपर अस्सलामुअलैकुम। आपके सर के ऊपर ना इतनी बड़ी लाइट थी जो आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ लाइट नजर आ रही थी। क्या हाल है आपका जी? ओहो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरा हल्ला वॉल्यूम बंद है। चले, मैं अभी देर में मोहम्मद आमिर का मैसेज पढ़ती हूँ। मोहम्मद आमिर ने कहा है जी, पहले हमें घर आते आते थे तो अम्मी अब्बू के साथ बैठते थे, और आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग पे। वैसे सुना ही आमिर ने क्या कहा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कुछ खराब तो किया आपने। अस्सलाम नाम, क्या हाल है आपका? सबसे पहले प्लीज अपना नाम मुझे बता दीजिए, मैं गलत तो नहीं पढ़ती हूँ? मैं गलत पढ़ती होंगी, मुझे वालेकुम। शानी लिखा हुआ है मैंने। हाँ, तो वो एक्स से नहीं लिखा हुआ? ये मेरा अपना स्टाइल है। हाँ अब ठीक है, फिर अपना स्टाइल है तो फिर गलत बोलना है ना। अच्छा, जी, शानी क्या हाल है आपका? क्या कर रहे थे आप? हाँ 55 मिनट हो गए आपकी तरफ। मैं बस अभी नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हुआ। तो शानी ये बताएं, सोशल मीडिया की आज हम बात कर रहे थे। सोशल मीडिया के फायदे भी बहुत सारे हैं और साइड इफेक्ट, तो खैर मुझसे अच्छा कौन जानता है साइड इफेक्ट सोशल मीडिया के। लेकिन ये कि आप कोई अच्छी बात बता दें सोशल मीडिया से, या कोई नुकसान कुछ फायदा आपकी जिंदगी में। सोशल मीडिया जो है बेसिकली यूज हो रहा है फॉर एडवर्टाइजमेंट ही यूज हो रहा है बेसिकली। जो भी है वो अपनी बस कर रहे कि एडवर्टाइजमेंट हो जाए किसी तरीके से। आप शायद लाइक टिक क्या करते हैं आप? लाइक टिकटॉक। मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, जुडिशियल डिपार्टमेंट में। अच्छा, फिर तो सारा दिन आप क्या होती है, फाइलों के नीचे दबे रहते होंगे। इधर इधर आपको आपको आइडिया है कि जुडिशियल डिपार्टमेंट में फाइल्स होती हैं। मेरा ख्याल है। हाँ, केसेस वगैरह होते हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ताल्लुक पुलिस से भी है, आर्मी से भी है, और खैर बाकी मेरा घूमना फिरना तो फिर हर महकमे में है ही है। मेरी जिंदगी भी काफी घूमती फिरती जिंदगी है। तो आप क्या समझते हैं? सोशल मीडिया बेसिकली मैं तो यूज कर रहा हूँ टिकटॉक और इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह, ये सभी आप यूज कर रहा हूँ। नहीं, आप खुद टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं? हाँ जी, बनाता हूँ मैं फनी वीडियोस बनाता हूँ। क्या आपका क्या वो आईडी क्या है? मेरी है मिस्टर जी 020। वाह, चले बाकी सब लोग जो है ना वो भी अब आपको फॉलो करें, मिस्टर जी। मिस्टर मिस्टर डॉट Z020। अच्छा, ये तो किसी समय तो किसी को याद रहेगा, मुझे तो वैसे नहीं याद रहना। लेकिन चले, मुझे एक बार फिर बताया, मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं भी फॉलो करूंगी आप। MR.Z020। 0। अच्छा, इस तरह तो आसान था सुनने में जो है, मिस्टर डॉट जीरो जी ट्वेंटी ये जी 020। कैपिटल में नहीं है, कोई भी वर्ड कैपिटल में नहीं है। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है। हाँ जी, पर तो टिकटॉक पे क्या वीडियोस बनाते हैं? टिकटॉक मैं तो थोड़ी देर, खैर अब मेरे पास तो पाकिस्तान का टिकटॉक आता ही नहीं है। पहले आता था तो मेरा रीजन ही चेंज हो गया, तो अब मेरे पास अमेरिका का आता है। मैं देख के इतना हूँ, जो अमेरिका की पुलिस और जो डॉक्टर है वो सब टिकटॉक पे। टिकटॉक पे भी ऐसी मनापली चल रही है कि टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जा रहा, बस जिसकी गुड्डी चढ़ जाती है बस वही अच्छा, टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। बस कहने के एक बात बताएं, मैं तो खैर टिकटॉक पे नहीं, वीडियोस वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि टिकटॉक मुझे लगता है तहाई ऐसे ही है जैसे आप बाजार में बैठ गए और हर बंदा जो है ना वो आता जाता पत्थर मारने। फिर मुझे ये बताएं कि क्या मैं सवाल पूछूंगी? हाँ,
ये इतने मिलियंस में फॉलोअर्स कहाँ से मिलते हैं? मेरे तो रो के, ये पिछले 1 साल से मेरा अकाउंट है रो के 5 हजार फॉलोअर्स, बल्कि पांच नहीं मेरे 8-9 हजार हैं, लेकिन ये कि बस टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा। नहीं, मिलियंस फॉलोअर्स कैसे करते हैं? ये सच होता है कि झूठ है? नहीं बड़े बड़े बेवकूफ बंदे भी बैठे हुए हैं, तो वो बस कर लेते हैं, फॉलो कर ही जाते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अन्ने वाह। हाँ वाह, अच्छा, जी चले ये बेस्ट। ऐसे। बहुत अल्लाह करे आपके भी इसी तरह से फॉलोअर्स जो है वो बढ़े और आपको। अच्छा नहीं मैं फॉलोअर्स का भूखा नहीं हूँ, मैं बस एज ए फन यूज करता हूँ बस। और इंस्टा जो है मैं फॉर सेलिब्रिटीज को देखने के लिए और कोई हालात हाजरा से इन टच रहने के लिए। अच्छा, लेकिन चले आप देखिए, अपने आप को समझदार और बादशाह थोड़े अपने एज के हिसाब से ठीक मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, जैसे मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं जिसमें टिकटॉक वाले बच्चे जो हैं वो वीडियो बनाते हुए कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, उनकी डेथ हो गई। नहीं वो ऐसी स्टूपिड चीजें मैंने कभी नहीं की। नहीं वही ना, आप अपनी एज के हिसाब से समझदार हैं और एक प्रॉपर जॉब पे है, तो एक प्रोफेशन का हिस्सा समझदारी का मुजाहरा करते हैं और ऐसे ही होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ला ग्रेजुएट हूँ तो अक्सर रखता हूँ। चलो जी, मेरी तो सारे काम हो गए, अभी मुझे साइबर क्राइम मिल गया बंदा, आप से बस ये तो कानूनी मसले हल हो गए। जरूर, वेलकम वेलकम। साइबर क्राइम का मसला भी कवर हो गया और लॉ का मसला भी कवर हो गया। मैं आपका पीटीवी से फैन हूँ, आपका पीटीवी से अच्छा, आपका फैन। लेकिन आप तो बहुत छोटे होंगे। मैंने नहीं, तो मेरी भी माशाल्लाह 34 एज हो गई है, तो मैं आपको 14-15 साल से देख रहा हूँ। हाँ, मैंने 20 साल तक काम किया है, मतलब अभी लास्ट जब तक लॉकडाउन नहीं था मैं काम कर ही रही थी। और अभी इमरान हमारे साथ है, इमरान इधर नजर आ रहे होंगे, इमरान मेरे आपके कलीग। काफी जो सीरीज है ना वो देखते रहे हम पीटीवी पे, क्योंकि पहले होता ही पीटीवी था, जब आप काम करते थे तो पीटीवी होता था। अभी तो प्राइवेट चैनल इतने हो गए हैं कि समझ ही नहीं लगती कि क्या ट्यून करें और क्या ना करें। जब आप काम करते तो क्वालिटी काम होता था। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा था और मेरा ख्याल है बहुत कुछ सीखा भी हमने उस सारे में, बड़ा अच्छा वक्त भी गुजर। ये जितनी बातें अब मैं करती हूँ ये पीटीवी की सिखाई हुई है, तब तो बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन वो सख्ती जो है वो बहुत काम आई। और बाकी जो चैनल्स है ना, ये 2005 में आए थे, बस उसके बाद फिर अजीब ही हो गया था। हाँ जी ये बात सही है, अभी तो ओ बस। ठीक हो गया। चले जी, मैंने असल में आज जाना है बहुत दूर शहर से, एक और मेरा मैंने बताया था कल भी कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट। मैंने जिंदगी में कभी किसी को ना ऐसे लाइव कॉल नहीं की, स्पेशली किसी सेलिब्रिटी को, तो मैं मेरी लक समझे कि आपके साथ कॉल कनेक्ट हो गई है, तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। नहीं, अल्लाह आप रखे और अल्लाह करे कि ये कॉल आप किस तरह से मिलती रहे। मैं हर जुम्मे को जरूर 8 बजे शो करती हूँ, अगर मैं चेंज करूंगी टाइम या दिन तो मैं अपनी जो स्टोरीज होती है ना उसमें जरूर 2-3 दिन करूंगी कि मैं टाइम नहीं, नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आपसे कंटिन्यू बातचीत रहेगी। बड़ा अच्छा लगा, मैंने कभी सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल नहीं किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 1 महीने से ये शो कर रही हूँ, अब इसी तरह से टॉप करते हैं। मैंने आपको फॉलो किया हुआ है कोई 10-15 दिन हुए हैं, लेकिन कल मुझे नोटिफिकेशन आया कि आप लाइव हैं, तो कल मैंने कमेंट स्टार्ट किए, तो अभी अच्छा। रेगुलर होना पड़ेगा इंशाल्लाह। आपसे नहीं, बात करके बहुत अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू सो मच। आप तो वैसे ही मेरे बड़े पुराने साथी निकले ना, देखें आप पीटीवी के दौर की बात करते हैं जब, तो मुझे पूरा अपना पीटीवी का टाइम याद आ जाता है। मैं नई नई आई थी और मैं बहुत लाइक मैं 17 ईयर्स की थी जब मैंने काम शुरू किया था, और वो बड़ा एक बचपने वाला टाइम था। और अगर वो आपको ड्रामे याद हो ना, तो उसमें तो मेरे मुंह पे इतनी फैट थी, बेबी फैट्स होती है, और मुझे नहीं उस हर वक्त आप बड़ी स्किनी थी। नहीं, मैं शुरू शुरू में थोड़ी सी चबी थी, फिर मैं बहुत पतली हो गई थी, हाँ हो नहीं गई। स्किनी थी आप। हाँ, वो एज ही ऐसी होती है, 20-21 साल में फिर आपको पता ही है हर बंदा एक दफा शॉर्पनर में से गुजरता है, वो उस टाइम पे आप कुछ भी कर लें खाना लगता नहीं। तो माशाल्लाह मैं पानी भी पीती हूँ तो वो मुझे घी की तरह लगता है।
नहीं अब तो आप माशाल्लाह काफी हेल्दी हो गई आप। हाँ नहीं अभी तो मैंने 74 थी मैं, और मैंने अभी कोशिश कर 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 के जो है ना कुछ 6 किलो कम किया है। अभी से मैं 67 हूँ, आज का वेट मेरा 67 है, 67 के, और मुझे कम करना है 10 किलो और। तो टोटका अगर आपके आया ना कानून में तो मुझे जरूर बताइए। जी जरूर, वेलकम वेलकम जरूर। सो शानी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, खुदा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतना ज्यादा काम कर दिया आपकी मेहरबानी, मैं काम करूंगी। जामीन अली ने पूछा कि हेलोवीन की सेलिब्रेशन करनी है नहीं मिल रही।